मस्जिदुल हरम समेत दिगर सऊदी मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी की खबरें झूठी। सऊदी वजीर इस्लामी उमूर का बयान, कहा मसाजिद में सिर्फ चंदा जमा करने की नहीं होगी इजाजत। गजा जंग में इसराइली बर्बरियत जारी, मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। मजाहमती ग्रुपों की जानिब से इसराइली साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर किया गया ड्रोन हमला। मुसलमानों के क़िबला अव्वल में दाखिले पर पाबंदी के निकलेंगे खौफनाक नताइज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को किया खबरदार। रूस यूक्रेन जंग में फिर आई शिद्दत, यूक्रेनी सदर के काफिले के करीब गिरा मिसाइल। यूनानी वजीर आजम और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मिसाइल हमले में बार बार बच गए। दो % लोगों ने हिंदुस्तान पर कर रखा है कब्जा। बिजनेसमैन अडानी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर फिर लगाए संगीन इल्जाम। और आसाम से मुसलमानों को निकालना 3 साल क्या 300 सालों में भी नहीं होगा मुमकिन। बदरुद्दीन अजमल का हेमंत बिस्वा शर्मा को करारा जवाब।